सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने DSLR कैमरा के साथ कैसे सिनेमैटिक फिल्म लुक क्रिएट कर सकते हो, क्या क्या कैमरा टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से आपने सीन को लेना है, और कुछ आपको सीक्रेट्स बताने वाला हूँ सिनेमैटिक से रिलेटेड। और आज की हमारे शूट में जो साथ देने आई है मेरी स्पेशली फ्रेंड, जिनका नाम है शिवांगी, और इनको आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सिनेमैटिक फिल्म लुक क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसा कि सबसे पहले आपको जो सेटिंग्स है स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, बिकॉज मैं लाइव शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो लाइक कि सबसे पहले जो शिवांगी आपको दिख रही है वो बैक साइड पे दिख रही है। अब आपने सीन की स्टार्टिंग कैसे करनी, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है यार कि स्टार्ट कैसे करें, कैसे सिनेमैटिक फिल्म लुक बनाएं, ठीक है, लाइक कि हॉलीवुड बॉलीवुड की तरह। अब जैसा कि शिवांगी अपना प्लेस लेना जहाँ पे मैंने बताया था, टर्न हो जाओ, टर्न, हाँ, साइड फेस लेंगे, ओके। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिवांगी ने जो प्लेस लिया है, जगह ली है, अब ऐसे आपने किस तरीके से शूट करना है इस सीन को। अब आपने पहले क्या करना है, डायरेक्टली अपने मॉडल को हाईलाइट नहीं करना कि डायरेक्टली उसके फेस पे कैमरा डाल दिया और हमारी वीडियो ख़त्म होगी, ऐसा नहीं करना। हमने करना है सबसे पहले हाईलाइट करना है कुछ पोर्शंस को। अब मैं सीन की स्टार्टिंग करने वाला हूँ, अब मैं सीन को कैसे लूँगा सब कुछ बताऊँगा, तो चलिए सीन को करके हम देखते हैं। तो फाइनली अभी आपने देखा पहला सीन। अब जैसा कि हम क्या करेंगे, जैसे हॉलीवुड स्टाइल में ना था कि बॉलीवुड स्टाइल में थोड़ा सा रोमांटिक सा होता है कि मूवमेंट चल रहा होता है बिल्कुल सिनेमैटिक, तो वैसे ही शिवांगी एक्सप्रेशन देंगी अभी। तो किस तरीके से हम करेंगे कुछ लाइक कि मैं क्या करूँगा, इनको इस तरीके से जूम इन जूम आउट करूँगा, बिकॉज मैं गिम्बल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मुझे इस तरीके से बॉडी मूवमेंट को रखना है कि मेरी वीडियोज़ के अंदर जर्क ना आए। ओके, स्टार्ट। तो हम किस तरीके से जाएंगे, देन लाइक कि ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा मूवमेंट आएगा कि बिल्कुल एक लगे कि हाँ कुछ मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। तो चलिए इस मूव को करके हम देखते हैं। देन अभी आपने जो सेकंड सीन देखा, इसी तरीके से आपने क्या करना है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हम देखते हैं कि वैसे हमने उसको कॉपी पेस्ट कर देना। अब जैसा कि हम जो थर्ड जैसे स्टार्ट करेंगे, इन सारे सीन्स को मैं मर्ज करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं स्टोरी शूट कर रहा हूँ, फ्री स्टाइल शूट कर रहा हूँ। और लाइक कि पहले बार, मतलब कि मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं जो सेकंड लेंस यूज़ कर रहा हूँ वो है 50mm 1.8 वाइड एंगल लेंस, मैंने उतार दिया, उसको फेंक दिया उतार के बैग में, ठीक है। उसके बाद शिवांगी का जो हाथ है, आई थिंक मैं कैमरे से बाहर चला गया था, ठीक है, ओके। देन मैं क्या करूँगा, मैंने पूरा अपर्चर 2.0 पे रखा हुआ है 50mm का, मीन्स कि मुझे एक सिनेमैटिक लुक चाहिए, फिल्म लुक चाहिए। तो लाइक कि मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, एक सेकेंड, और रेडी शिवांगी, और क्या करूँगा मैं थोड़ा सा यार ट्राइपॉड इधर करता हूँ, ठीक है, परफेक्ट, और फोकस मेरा ओके है। और देन मैं क्या करूँगा, रेडी शिवांगी, ओके स्टार्ट, और कुछ इस तरीके का मूवमेंट लेंगे कि कुछ चीज़ मतलब कि रिवील हो रही है। तो चलिए कुछ ऐसे और सीन्स हम लेके देखते हैं, पहले ये लेंगे और कुछ और इसके साथ मिलते जुलते सीन्स हम लेंगे। तो अब बात करते हैं कि हमें सिनेमैटिक जो फिल्म होती है ना, उसको कैसे क्रिएट करने के लिए अगर हमारे पास कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं, हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि आपने अपने मॉडल के साथ मतलब कि इंटरेक्ट रखना है, उनके साथ बात करनी है, उनको बताना है, उनसे पूछना है कि वो किस तरीके के मतलब कि शूट में इंटरेस्टेड हैं, कैसे वो सीन्स दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने किसी को देखा, उसको कॉपी कर दिया, वही हमने अप्लाई कर दिया अपनी वीडियो के अंदर, तो वो क्रिएटिविटी नहीं होगी। आपने ये करना है अपने मॉडल के जो भी उनका जो स्टाइल है उनको आपने दिखाना है वीडियोज़ के अंदर। अब जैसा कि यहाँ पर सनफ्लेयर आ रहा है, बहुत ही कमाल का सनफ्लेयर है, और शिवांगी जो बाल हैं उसको वो क्रॉस करता हुआ मेरे लेंस तक आएगा। तो ओके, रेडी शिवांगी, मैंने फोकस कर लिया, कॉन्टिन्यूस ऑटो फोकस का यूज़ कर रहा हूँ यार मैं, ठीक है, और शिवांगी ओके रेडी एंड देन स्टार्ट। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कितना ज़्यादा सिनेमैटिक लुक आ रहा है। तो चलिए ऐसे कुछ और मूव्स लेते हैं और हम आगे देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें और अप्लाई करनी चाहिए सिनेमैटिक फिल्म लुक के अंदर।
फाइनली यहाँ पे हमने जो जो सीन्स लेने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जैसा कि मैं अब और जगह जाऊंगा और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, और शिवांगी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे सीन्स दिए हैं, और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और यार एक लाइक कर दो बिकॉज यार ठंड काफ़ी है, ठंड में हम आए हैं वीडियो को शूट करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं किसी और लोकेशन पर, देखते हैं और क्या क्या हमें नई चीज़ें पता लगती हैं। तो चलिए यहाँ से अब चलते हैं। तो उसके बाद जो मैंने लोकेशन सेलेक्ट की है वो ये लोकेशन। अब जैसा कि शिवांगी यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करेंगी लाइक ही अपने जो लीव्स हैं, ठीक है, इनके साथ थोड़ा सा हाथ वगैरह लगा के, और मैं इनको कर्व जैसे स्लाइडर के साथ कैप्चर करूंगा बिकॉज यहाँ पे मैं कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं करूँ, और जो मेरा फ्रेम रेट है वो 60 FPS है। सेटिंग्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, तो चलिए इस मूव को करके हम देखते हैं। सो उसके बाद जो मैं लो एंगल सीन्स लूँगा बिकॉज मैं मोस्टली सारा कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ रूल ऑफ थर्ड्स का, उसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, रूल ऑफ थर्ड्स को आपको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लाइक कि जैसा कि मेरा जो कैमरा होगा वो ज़मीन पे होगा। अब जैसा कि यहाँ पे आपको ज़मीन दिख रही है, और मैं लो एंगल से शिवांगी को शूट करूँगा। शिवांगी यहाँ से चल के जाना, शिवांगी चल के यहाँ से जाएंगी नॉर्मल स्पीड में, ऑलरेडी 60 FPS पे, तो स्लो मोशन हम कर लेंगे इसको पोस्ट प्रोसेसिंग में। अब शिवांगी वहाँ तक जाएंगी चल के, और इसको लो एंगल से कैप्चर करूँगा इस सीन को। तो चलिए इस सीन को करके हम देखते हैं। सो उसके बाद जो हमारी फाइनल लोकेशन है वो ये है फाइनल लोकेशन। जैसा कि शिवांगी के पीछे थोड़ा सा मतलब कि विंटेज टाइप होता है ना, जैसे कि ट्रीज़ वगैरह हैं, और काफ़ी अच्छी लुक आती है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं वीडियोस के अंदर। और जो हमारा लास्ट मतलब कि पार्ट है वो यहीं पे है, सारा का सारा मैं यहीं पे ख़त्म करने वाला हूं, और मैं अगेन यूज़ कर रहा हूं 50mm 1.8। और चलिए फटाफट से सारे सीन लेते हैं, और एंड में आपको बताता हूं कि किस तरीके की हमें वीडियो देखने मिलती है, जिसे हम कहते हैं सिनेमैटिक फिल्म लुक। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको जो भी बताया कि आप अपने DSLR कैमरा के साथ कैसे सिनेमैटिक फिल्म लुक क्रिएट कर सकते हो, और इस शूट में शिवांगी ने काफ़ी साथ दिया शूट में, तो आई होप कि आपको ये शूट पसंद आया होगा, और जो जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई उनको आपने फॉलो करना, और आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।